हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। आप सभी का वेलकम है हमारे पेज पर। तो फ्रेंड्स, चला गया है संडे और आ गया है मंडे। तो कल हमने देखा कि घर में हुआ है टास्क, जहां पर शहनाज ने घर में मचा लिया है तमाशा, क्योंकि सना बहुत ही ज़्यादा चिर गई थी टास्क के दौरान। खैर, जो भी हो, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सना को वोट करते रहना। आप एक बुराई को देकर 100 अच्छाइयों को मत बुला देना। वो सना और सिद्धार्थ ही थे जिसकी वजह से हमें बिग बॉस का 3 महीने का सफ़र भी ऐसा लगता है जैसे कि कल ही शुरू हुआ हो। तो प्लीज़ इन दोनों को वोट करते रहना और इन लोगों के लिए कुछ भी गलत मत सोचिएगा। तो आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं कि शहनाज सिद्धार्थ के गले लग रही है, उसको आई लव यू बोल रही है, लेकिन सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है क्योंकि कल के शो में बता दिया गया था सिद्धार्थ को कि शहनाज से थोड़ा दूर रहो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिसकी वजह से बाहर जाकर मसला हो सकता है। और ये बात शहनाज को नहीं पता कि घर में ऐसा कहा गया है, वरना आई थिंक वो कभी भी सिद्धार्थ से इतना ज़्यादा ना चिपकती। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि ऐसा था तो आई थिंक दोनों साइड से क्लियर कर लेना चाहिए था और शहनाज को भी इस बात का पता तो होना चाहिए था। हाँ, लेकिन अगर उसको पता होता तो शायद वो अगर घर में रुक गई है तो वो बिल्कुल भी ना रुकती, वहाँ से चली जाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंसल्ट वाली बात हो जाती। तो शहनाज को इस बात का नहीं पता है और सभी घर वालों को पता है कि सिद्धार्थ को उससे दूर रहना है। अब देखते हैं कि सिद्धार्थ दूर रह पाता है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो दोनों तरफ से ही प्यार नज़र आता है, एक अच्छी दोस्ती नज़र आती है दोनों के बीच में। तो शहनाज यहाँ पे सलमान सर की प्रिडिक्शन को सच साबित करती हुई नज़र आ रही हैं। वो सिद्धार्थ से कह रही है, तू मेरा है, अगर कोई बीच में आया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और काफ़ी सारी वो बातें करी है प्यार मोहब्बत की सिद्धार्थ के साथ, और सिद्धार्थ थोड़े से उससे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं। और आज ही घर में खुलने वाला है एलिट क्लब, जहाँ पर हिना खान आने वाली है। घर के सभी लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और हिना खान कराने वाली है एक टास्क, जहाँ पर शहनाज और आसिम खड़े हुए हैं और बिग बॉस की आवाज़ आती है कि बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार खराज तहसीन के तौर पर इनको मिलेगी शो के इस आखिरी पड़ाव पर नॉमिनेशन से छुटकारा। हिना खान आज घर में आएगी और बताएगी कि इस एलिट क्लब का पहला लकी मेम्बर कौन है, और उस एलिट क्लब में शामिल हो जाता है वो मेंबर। यहाँ पे आसिम और शहनाज दोनों खड़े हुए हैं, जिनके बीच में एक छोटा सा टास्क है, वो ये कि इन दोनों को बस आसिम को ये बताना है कि वो शहनाज से बेहतर कैसे हैं और शहनाज को बताना है कि वो आसिम से कैसे बेहतर हैं। तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक को वो जैकेट मिलने वाली है। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा कि जो ये एलिट क्लब है, ये लास्ट के फाइनलिस्ट को चुनने वाला है। इस एलिट क्लब में आ जाते हैं वो लास्ट तक रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि ये एक्चुअल में है क्या। और इसके साथ ही ये इन्फॉर्मेशन आज बिग बॉस में हिना खान देने वाली है, तो सारा क्लियर हो जाएगा कि ये एलिट क्लब है क्या। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, मैं जाने से पहले ज़रूर कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। गुड बाय।